Hi friends, welcome you all on my YouTube channel Skylark Institute for English, and today I teach you use of helping verbs. आपको अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और बाकी के जो पैटर्न्स है इसमें हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करने के बाद वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको बोलना है, लिखना है, तो आप सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते। आपको कभी कभी अगर आप कोई चीज के बारे में निगेटिव है तो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। या कोई चीज़ के बारे में बोलना है कि भाई वो ये नहीं है, तो आपको निगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। और अगर आपको किसी को सवाल पूछना है तो आपको इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को यूज करना है। तो पर्टिकुलरली जो सेंटेंस में एक्शन है, एक्शन इंडिकेटिंग सेंटेंस, उसमें डू, डज और डीड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनको क्यों हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ये अगर आपने पढ़ लिया तो आप निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई स्टार्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज, इट इज यूज इन प्रेजेंट टेंस और डीड को अपन यूज करते पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस पर्टिकुलरली सिंपल पास्ट टेंस, नॉट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज हुआ है, पास्ट परफेक्ट में हैड है। यहां पे भी मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नॉट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो, अगर मुझे बोलना है राज मेक्स हरी कुछ भी काम करते वक्त, राज मेक्स हरी, राज गड़बड़ करता है, बहुत ज्यादा जल्दी में रहता है। अब इसको मुझे अगर निगेटिव बनाना है तो मुझे राज डज लेना है, बाद में नॉट लेना है और मेक लेना है, यस निकल जाएगा, मेक, राज डज नॉट मेक हरी। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट है। यहां पर मैंने डज लिया, और अगर मुझे इंट्रागेटिव करना है तो मैं यहां पर डज लूंगा, डज राज मेक हरी एंड हियर आई विल पुट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया वर्बल क्वेश्चन, इसका आंसर पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। नाउ अगर इसी सेंटेंस को मैंने अगर पास में कन्वर्ट किया तो दैट विल बिकम राज मेड हरी, राज ने बहुत गड़बड़ की। अब राज डीड नॉट मेक हरी। नाउ हियर मेड इज अ सेकंड पार्ट, दैट इज पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब मैंने यहां पर डीड लिया, डीड के बाद मैंने नॉट लिया और इस मेड को मैंने कन्वर्ट किया एमवी में, फर्स्ट फॉर्म में। दीज आर द चेंजेस विच यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इस डीड को अगर मैं पहले लेता हूं तो डीड राज मेक हरी, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन, राज ने गड़बड़ की, राज ने गड़बड़ नहीं की, राज ने गड़बड़ की क्या, ये हो गया पास्ट टेंस।
ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, इसमें मैंने डज को यूज किया, इसमें मैंने डिड को यूज किया। अब रही बात डू की, तो यहाँ पे भी आपको वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, करके मैंने डज लिया, अभी मुझे क्या करना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज डू। अगर मैं बोल रहा हूं कि यू फॉलो मी, आप मुझे फॉलो करते हो, आप मुझे बोलना है कि नहीं आप मुझे फॉलो नहीं करते हो, मैं बोलूंगा यू डोंट फॉलो मी। अब मैंने यहां पर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट लिया। अब इसी डू को मैं आगे ले सकता हूं टू मेक वर्बल क्वेश्चन, डू यू फॉलो मी क्वेश्चन मार्क। ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब टू मेक सेंटेंस निगेटिव एंड इंट्रागेटिव। एंड अगेन हियर व्हेनेवर यू हैव टू मेक सेंटेंसेस निगेटिव इन द यूज ऑफ हैव एंड हैव टू, अगेन यू विल हैव टू यूज डू डज, एंड इन पास्ट टेंस यू विल हैव टू यूज डिड। इफ आई से गीता हैड टू सबमिट हर पेपर्स, गीता हैड टू सबमिट हर पेपर्स, तो यहां पर मुझे गीता डिड नॉट हैव टू सबमिट हर पेपर एंड डिड गीता हैव टू सबमिट हर पेपर, ऐसा लेना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट में है गीता हैज टू सबमिट, तो मुझे डज लेना पड़ेगा, गीता डज नॉट हैव टू सबमिट, डज गीता हैव टू सबमिट। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, जैसे मैंने अगर बोला कि माय फ्रेंड्स हैव सम नाइस फैसिलिटीज, मुझे ये निगेटिव बनाना है, माय फ्रेंड्स डू नॉट हैव, माय फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है करके मैंने माय फ्रेंड्स डू नॉट हैव सम फैसिलिटीज, और मुझे अगर इंट्रागेटिव करना है तो डू माय फ्रेंड्स हैव सम फैसिलिटीज। इन दिस वे इफ यू यूज डू डज डिड ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इफ यू प्रैक्टिस यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक्स एंड वाइल मेकिंग सेंटेंसेस इंट्रागेटिव एंड निगेटिव यू शुड नो दैट हाउ टू यूज डू डज एंड डिड। फॉर टूडे आई हैव फिनिश्ड एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी बेल आइकॉन का है उसे प्रेस कीजिए सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। एंड फ्रेंड्स योर लाइक योर शेयर कैन मोटिवेट मी, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल प्रोवाइड यू व्हाट एवर यू रिक्वायर। सो बी सेफ एट होम एंड बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके.